अभी मैंने पता क्या किया था, मैंने अपना व्लॉग बंद किया। बंद करने के बाद मैं चली गई थी किचन में कि मैं राइस वगैरह बना लूं। तब तक फिर मेरे हस्बैंड ने ना मैसेज कर दिया कि मैं आज नहीं आऊंगा, आप खाना बनाकर खा लेना, ये ना हो कि खाना ही ना बनाया। सब्जी तो मैंने उनके होते हुए बनानी थी, राइस नहीं बनाई थी, और उनको पता भी नहीं कि मैंने राइस अभी तक बनाई नहीं है। तो फिर राइस मैंने रहने दिए, बच्चों को मैंने डोसा बना के दिया दोपहर को, जो सुबह को मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था। वो लेट से उठी थी बड़ी बेटी, तो उसने वो ही खाया था। 12 अभी टाइम कितना, टाइम पता नहीं कितना, हाँ 2 o'clock होने वाले हैं। तो उन्होंने 12 o'clock जैसे मैंने वो ब्लॉग खत्म किया तुरंत तो उसने डोसा बनाया। आपने देखा होगा ना बैटर पड़ा था, मैं ऐसे घुमा रही थी, उसको पूछ रही थी कि मैं बना दूँ कि नहीं। तब उसने बोला था नहीं अभी मुझे सोना है तो अभी नहीं खाना है। तो फिर मैंने वो रहने दिया, उसने खा लिया। तो अभी मैं देखती हूँ कब खाती हूँ, 2 तो बज गए हैं, तो मैं ये सब सेट करके फिर शायद पराठा बनाऊंगी बैंगन के साथ, नहीं तो मेरी दाल पड़ी है कल वाली वो खाऊंगी और बैंगन उठा के फ्रिज में रख लूँगी। क्योंकि अभी अपने लिए क्या राइस बनाने, क्योंकि छोटी बेटी सुबह ब्रेकफास्ट ले ब्रेकफास्ट नहीं लंच लेके चली गई थी, उसका कॉलेज था, बड़ी बेटी का कॉलेज नहीं था। तो बस ये सब सामान रख दूँ, और सामान मेरा इस तरीके से बॉक्स में होता है, ज़्यादा मुझे डिफिकल्ट नहीं होगा, बस ऐसे उठा के रख दूंगी। तो इसके बॉक्स के अंदर भी बॉक्स है, जैसे कि मेरे नेक पीस वगैरह होते ना वो मैं ऐसे रख देती हूँ बॉक्स के साथ ही, ताकि वो मिक्स ना हो और खराब ना हो। किसी किसी बॉक्स में तो दो दो नेक पीस है। तो मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी मेरे आर्टिफिशियल ईयरिंग्स। ओह, और ये बैंगल्स है, कुछ बैंगल्स मेरे ना पड़े हैं, और ना कुछ तो मैंने हैंगर्स में डाले हुए और मैंने यूज भी नहीं किया। ये वाले मैंने यूज भी नहीं किए, ये रेड कलर के हैं, तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और एक चीज जस्ट मेरी अभी आई है, लिक्विड आई शेडो। जैसे कि मैं कितनी बार बोली हूँ ना कि मेकअप जो होता ना आई शेडो, वो लिक्विड वाला बहुत ईजिली लग जाता है, तो वो इजी वाला मैंने मंगवाया। वो जो होता है ना पाउडर बेस वाला, वो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है, मुझे ये वाला इजी लगता है, फटाफट लगाओ और जाओ। और ब्रश वगैरह मैंने बाथरूम में रखे हुए थे ना, तो इस तरीके की बॉटल के अंदर, ये मैंने यूज नहीं किया था, मुझे फ्री मिला था कंटेनर, कंटेनर नहीं बोलूंगी, सिपर है ये। मुझे लगता है किसके साथ मिला था, मुझे ग्लूकॉन डी के साथ मिला था। तो इसी के अंदर मैंने अपने ब्रश वगैरह रख दिए थे, ताकि वो धूल मिट्टी ना जमे उसके ऊपर। तो ऐसे मैं अंदर रख दूंगी, बाकी जो फेस के लिए हमारे पैक वगैरह जो वॉश फेस वॉश वगैरह वो वहीं पे रहेंगे। उसके लिए दोबारा से एक मुझे शेल्फ ऑर्डर करनी है, वो करूंगी। अभी ये सब सेट कर दूं और देखूंगी, अगर मुझे बात करनी होगी तो करूंगी, नहीं तो फिर मैं बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। और मैं ना अभी फैन ऑन कर लूं, और मैंने टी शर्ट चेंज कर ली थी क्योंकि वहां पर गीला हो गया था ना बर्तन धोते धोते, तो इसलिए। और अभी मैं सामान रख दूंगी। There's not much to do. If I could lay down beside you, I would.
all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. मेरा ना सामान ज़्यादा हो गया और ड्रेसिंग टेबल अगेन छोटा हो गया, बट फिर भी मैं ना सामान ऐसे ही सेट कर दूंगी। ये वाले जो मैं स्किन केयर रात को यूज़ करती हूँ और दिन में मतलब कोई भी, और यहाँ पे पूरा मेकअप का सामान है और यहाँ पे पूरा मेकअप का सामान, और यहाँ पे जो मेरा एक्स्ट्रा है जहाँ फिर किसी किसी चीज़ों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है वो है, वो शार्ट के ना मुझे फेंकना है, वो अभी मैंने फेंका नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और इसमें भी मेरा पूरा मेकअप का सामान है, अभी एक एक चीज ना उठा के अलग अलग करके नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा है, तो इसके जैसे चार बनाने पड़ेंगे अगर एक एक रखा तो, इसलिए मैंने बॉक्स के अंदर ही रख दिया। ये सारे भी ना, ये भी जो भी है ना सारे डब्बों के साथ ही मैंने अंदर रखे हैं, सेपरेट सेपरेट ऐसे ऐसे करके नहीं रखे, नहीं तो वो गिर जाएंगे। और ये मैंने सोचा था मेरे शादी का वो क्या बोलते हैं चूड़ा है, हाफ ही है, हाफ मुझे लगता है टूट गया था। मैंने सोचा था कि इसको मैं नहीं लगाऊंगी, फिर सोचा पहले लगा लेती हूँ बाद में देखेंगे, क्योंकि दूसरे बैंगल्स मेरे ना दूसरे बॉक्स में पड़े हैं और वो अलग जगह पर पड़े हैं, इधर नहीं पड़े, मतलब कि मेरा आधा सामान टैची में है, क्योंकि स्पेस नहीं होती तो फिर मैं ऐसे रख देती हूँ क्योंकि मैं यूज तो करती नहीं हूँ। दिख रहे हैं ना बैंगल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये सारे के सारे कड़े हैं, यहाँ पर मोटे बैंगल्स हैं। और अभी मैं ड्रॉयर में फिट करूंगी और मैं आपको फाइनल लुक लास्ट में दिखाती हूँ। और ये बैंगल्स मेरे जब बेटियां ना दोनों छोटी सी थी तब के हैं, तो मैं अपने हाथों में भी डालकर देख रही थी, ऐसे स्क्रू से हम लोग अंदर डाल सकते हैं, बट अभी मैं नहीं रखूंगी अपने पास, उधर रख दूंगी उनके अलमारी में। तो बाकी का सामान मैं कचरा पट्टी अंदर रख देती हूँ और इस ड्रॉयर में कुछ सामान रखना है अभी मुझे, मेकअप का किट, बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, पूरा डिटेल में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने कुछ चीजों का रिव्यू भी करना है, रिव्यू नहीं वीडियो बनाना है, रिव्यू तो क्या करना अभी। तो मैंने ड्रेसिंग टेबल कर लिया सेट, तो अभी मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट रैक में आप देख सकते हैं बैंगल्स, लाइट नहीं पड़ रही बट बस ऐसे ही एडजस्ट कर लो। तो नीचे है फर्स्ट कॉर्नर में मेरे जो भी मेकअप करने से पहले सामान लगाती हूँ वो, जहाँ कॉन्टोर जहाँ कंसीलर सब कुछ वही, और सेकंड में है लिपस्टिक, मेकअप और छोटे मोटे से ब्रश जो मुझे चाहिए होते हैं आईब्रो फिल करने के लिए। उसके बाद उसी के डब्बे में है आईलाइनर वगैरह, वो सब मैं दिखा नहीं सकती ना हर चीज़, तो जस्ट ऐसे ही है। वो छोटू से लिपस्टिक है वो 12 शेड वाले हैं जो कि मैं अभी तक यूज़ नहीं किया, जस्ट ऐसे रखा है। यहाँ पर नीचे उसका फाउंडेशन है, साथ में ही मैंने सनीशा का रखा हुआ है, कहते हैं वाटरप्रूफ है लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, करूँगी, काफ़ी टाइम हो गया लेकर आई हुई को बट मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने फाउंडेशन ये नई वाली ली थी लैक्मी की। उसके बाद है मेकअप फिक्सर, आपको दिख ही रहा है ये वही आई शेडो है जो लिक्विड वाले अभी जस्ट आए हैं। और नीचे वाले कॉर्नर में है मेरा डेली स्किन केयर फाउंडेशन, फाउंडेशन नहीं
मॉइस्चराइज क्रीम और ये प्लम मुझे फ्री में मिली थी, मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे, और VLC का बॉडी बटर जो भी बॉडी को लगाने वाले होते हैं वो सब है। यहाँ पर है नेल पॉलिश, तो मैं नेल पॉलिश का बॉक्स दिखा देती हूँ, पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो एक एक चीज़ मैं नहीं रख सकती, और नीचे हैं मेरे आर्टिफिशियल ईयरिंग्स वगैरह, और जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं ज़्यादा करती वो मतलब के मेकअप के ब्रश मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती वो रखा है। यहाँ पर डब्बे में भी आपको दिख रहे होंगे आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह दिख रहे ना, वो उसके लिए मैं बन में यूज़ करती, मतलब इस डब्बे में वही सब चीज़ें हैं जो हमारे रोज़ के यूज़ में तो नहीं है, कभी कभार यूज़ करने में है, ये रोज़ यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं ऊपर रख दूँगी यहाँ पे, क्योंकि साड़ी बांधनी है तो मुझे चाहिए होता, जहाँ फिर मुझे ईयर रिंग्स चेंज करने, उसमें भी आर्टिफिशियल ईयर रिंग्स हैं, इधर भी हैं, और वो जो आपको ब्रश वाला मेरा बॉक्स दिख रहा है ये वाला, ये मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ जब भी मेकअप करती हूँ तब, इसलिए इधर रखा हुआ है। ये भी मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, बट कभी कभार मैं यूज़ भी कर लेती हूँ अपने लिए, नहीं तो मैं ज़्यादा तौर पर वीडियो बनाने के टाइम पर यूज़ करती हूँ। और वो क्लच भी जो है वो भी ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट से उठा के लगाना होता है। तो यहाँ पर आ गया है कवर, यहाँ पर मैंने रख ही दिया, मेरा सेट हो गया। इसके अंदर ये तो आई पैलेट है, ये भी ये मिरर है, ये आई पैलेट बड़ा वाला जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था। यहाँ पे सारे के सारे मेरे नेक पीस, लंबे वाले ईयर रिंग्स, पैरों के सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर मेरा फिर से अगेन मेकअप प्रोडक्ट ही है, जैसे कि आपको पता है कि मैं मेकअप के वीडियो बनाती हूँ तो हमें प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। मैं खोल दूँ, इसमें स्टिकर वगैरह है, कॉन्टूर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। तो मैंने खोल लिया, ऐसे वाला सामान है, इसमें भी आई पैलेट है छोटा वाला, ये सब मेकअप का सामान है, बस ऐसे है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ कभी कभार। और ये है मेरे फेस वाइप्स, बस दैट्स इट। तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।